हमदर्द हेल्थ इसमें आपको वेलकम करते हैं। आज की इस नई वीडियो में हम आपको चंबल का दूसरा नुस्खा बताने जा रहे हैं। अजी दोस्तों, ये वो नुस्खा है जो मोहसिन पाकिस्तान अकीम मोहम्मद सही साहब के प्रैक्टिस में था और उन्होंने बहुत सारे लोगों का इस नुस्खे के ज़रिए इलाज किया। ये बड़ा सादा सा नुस्खा है, आम पंसार की दुकानों से ये चार चीज़ें मिल जाएंगी। चंबल और दीगर जल्दी अमराज में इस नुस्खे को बड़ी अहमियत हासिल है और इस नुस्खे के मुसलसल इस्तेमाल से ला तादाद अफराद सोरासे से सेहतयाब हो चुके हैं। तो नुस्खा क्या है कि जी, रसोत, चाकसू, नरकचूर, कत सफ़ेद, ये चार चीज़ें हर एक 3 ग्राम, ये एक खुराक है, हर एक 3 ग्राम चारों अज़ा पीस कर आधे गिलास पानी में जोश देकर छान कर सुबह नहार मुँह पी लिया जाए। ये एक खुराक है। इसी तरह आपको 30 पुड़ियाँ बनानी है। सपैर को यानी असर से पहले कर से रसोत 1 अदद ताज़ा पानी के साथ खाएं और शरबत अशबा ख़ास 2 चम्मच उसके बाद पी लें। आप समझ गए ये नुस्खा। चार चीज़ें हैं, चाकसू, नरकचूर, कत सफ़ेद, हर एक 3 ग्राम चारों अज़ा पीस कर आधे गिलास पानी में जोश देकर छान कर सुबह नहार मुँह पी लिया जाए और सपैर को यानी 2-3 बजे खाने के 2 घंटे के बाद 1 गोली रसोत, कर से रसोत 1 अदद ताज़ा पानी से खा ली जाएँ और शरबत अशबा ख़ास 2 चम्मच उसी वक्त पी लिए जाएँ। तो इस ये तकरीबन 1 महीने का इलाज है, यानी 30 पुड़ियाँ आप ले लें और ये 30 पुड़ियाँ हर रोज़ 1 पुड़ी इस तरह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला सोरायसिस यानी चंबल से आपको शिफा नसीब होगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।